नुहू जिले के टूंडलाका गांव में लंबे अरसे के बाद सरकार ने आईआरबी के जवानों को तैनात कर दिया। फिलहाल टूंडलाका गांव के जंगलों में पुलिस ने जवानों ने दो तंबू तान दिए हैं। यहां पर दर्जन भर पुलिस के जवान तैनात हो गए हैं। यहां पर साफ सफाई का अभियान जारी है। जल्द ही टूंडलाका गांव में भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात हो जाएगा। लोगों को उम्मीद है कि पुलिस बल तैनात होने से ओएलएक्स ठगी, टटलूबाजी और चोरी डकैती जैसी घटनाओं पर अंकुश लग पाएगा, जिससे इलाके में शांति होगी और क्राइम का ग्राफ कम हो जाएगा। लोगों को धोखाधड़ी, चालबाजी जैसे मामलों में फंसाकर लूटपाट करने वाले बदमाशों पर जल्द ही लगाम लग पाएगी। टूंडलाका गांव के सरपंच ने बताया कि पुलिस कैंप में उन्हें कोई नुकसान नहीं है। पुलिस कैंप बनने से उनके बेहतर स्कूल, अस्पताल, बैंक, जमीन के महंगे दाम होंगे, जिससे इलाके के लोगों को कई योजनाओं का भी लाभ मिलेगा। करीब 87 एकड़ भूमि को गृह मंत्रालय के नाम कराया गया था, जिससे पहले फौज के बनने की घोषणा थी, लेकिन अब सरकार ने फौज कैंप को कैंसिल करके हरियाणा पुलिस बल को तैनात कर दिया है। आप देख रहे हैं नुहू से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे को दो बटालियन की जगह वहाँ मिली है उनलाका उनाना में, वहाँ भी काम करेगा। तो सभी कामों को हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। कौन सी दो बटालियन है? आईआरबी की दो बटालियन है, जल्दी शिफ्ट होने जा रही। वहाँ का भी जो है नक्शा तैयार हो गया है, वहाँ पे भी काम जल्दी अलाट होने वाला है। और वहाँ पे अभी इमीडिएटली जो है जल्दी से जल्दी जो है दो बटालियंस को वहाँ पे शिफ्ट किया जा रहा है, और वो बटालियंस वहाँ पे रह करके जो भी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए ज़रूरत है उसमें काम करेंगे। जिला जेल 2020 में मिलेगी या 2021 तक? ना ना, कोशिश है 2020 में ही।